इस बिजनेस ऑलरेडी सॉर्टेड है, सॉर्टेड है तो उसके भी ये हमारे पास पार्टीशन का एल्गोरिथम और स्टार्टिंग में हमने कहा था कि लास्ट एलिमेंट को पिवट का है, यहाँ पे एट को लास्ट एलिमेंट एट है, इंडेक्स भी एट है, तो उसको कलर जो है लास्ट एलिमेंट वैल्यू को ऐड करके सेपरेट करने के लिए ये जो है पिवट है और बाकी सबको लाइट ग्रीन है। तो इसको कंपेयर किया आई की वैल्यू जो है पी माइनस वन में, आई का पी का इंडेक्स वन है तो आई की वैल्यू जीरो आएगी, और जे जो है स्टार्टिंग पी से करेंगे और इसको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, और अप्लाई करते करते हम चेक कर लेंगे कैसे वर्कआउट करने के लिए मीन्स के अब नेक्स्ट क्या होगा कि एट को कंपेयर किया जाएगा, यानी पिवट को कंपेयर किया जाएगा इसके बाद ये जिसको पॉइंट आउट कर रहा है। अब ये इसको हम वन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर ए एफ जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स है तो हमने क्या करना है कि उसको आई की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करेंगे, जिनकी आई की वैल्यू जीरो थी तो आई की वैल्यू वन हो जाएगी, और जे भी वन को पॉइंट आउट कर रहा है तो ए एफ वन और ए एफ वन को आपस में एक्सचेंज, यानी सेम एलिमेंट को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, और i प्लस वन जो है ये उसके बाद क्या होगा कि j की वैल्यू नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करना शुरू कर। नेक्स्ट है कि j की वैल्यू नेक्स्ट टू इटरेशन में टू होगी और इंडेक्स भी टू है, क्या ये वैल्यू जो है उससे अगेन समाल है पिवट एलिमेंट से, तो हम इसको और इसको कंपेयर किया और जे की वैल्यू को आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है, तो आई की वैल्यू जो है अब इस इंडेक्स को पॉइंट आउट करना शुरू कर देगी, और इनको कंपेयर करने के बाद ये जो वैल्यू है आपस में यानी कि जे भी सेकंड इंडेक्स को पॉइंट आउट कर आई की सेकंड को सेम वैल्यू आपस में एक्सचेंज कर देगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जे की वैल्यू थ्री आएगी और आई की वैल्यू टू थी, इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने के बाद वो थ्री को थ्री के साथ एक्सचेंज करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में फोर को फोर के साथ एक्सचेंज करेंगे, तो ये जो वैल्यू है ए एफ जे लेस देन इक्वल टू एक्स है तो ए लेस देन होगा तो हम उसको एक्सचेंज आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके उसको एक्सचेंज। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारे पास के आई की वैल्यू जे की वैल्यू फाइव थी और फिफ्थ को एट के साथ कंपेयर किया वैल्यू छोटी थी तो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके ए आई फिफ्थ इंडेक्स को पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा, और उसके बाद इसको इसके साथ ही एक्सचेंज कर देंगे, और नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे सिक्स को सिक्स के साथ करेंगे सेवन, और उसके बाद सेवन आएगा और सेवन को सेवन के साथ करेंगे, और लूप जो है आर माइनस वन तक चल रहा है क्योंकि लास्ट वैल्यू को सेम वैल्यू एलिमेंट को सेम एलिमेंट को कंपेयर करने का फायदा पिवट एलिमेंट को अपने आप के साथ कंपेयर करने का फायदा। कंपेयर करने के बाद नेक्स्ट क्या होगा कि लूप से बाहर आएंगे और ए एफ आई प्लस वन को ए एफ आर के साथ ए एफ आई प्लस वन यानी कि आई जो है सेवन इंडेक्स को है प्लस वन ए एफ ए सेवन प्लस वन ए एफ एट जो बड़ा है उसको अपने आप के साथ पिवट को पिवट एलिमेंट के साथ या लास्ट एलिमेंट को लास्ट इंडेक्स के साथ एक्सचेंज कर देंगे, और उसका इंडेक्स जो है मीन इस केस में एट जो है रिटर्न कर, और रिटर्न करने के बाद हम ये पार्टीशन का एल्गोरिथम कैसे इस पर अप्लाई करते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि इस पे लास्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करके आई प्लस वन को पिवट इंडेक्स जो
अब इसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास कि हमें अप्लाई करते हैं क्विकसॉर्ट को फर्स्ट टाइम। 8 जो है पिवट था, जो लास्ट एलिमेंट था, और इसको अप्लाई किया इस पूरे स्टेप में पार्टीशन का जो फेज है वो अप्लाई किया, यानी कि एक आइट्रेशन ये जो शो की गई है इसमें एक दफा पार्टीशन का एल्गोरिथम अप्लाई किया है, और पार्टीशन का एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद ये प्रोसेस ये सॉर्टेड आ गया है, यानी कि ये पिवट आ गया है। पिवट की हमने कहा था कि इस साइड पे से वैल्यू लेस देन इक्वल आएगी, इस साइड से ग्रेटर देन इक्वल टू आ सकती है, वैल्यू इक्वल आए। तो अब इस साइड पे कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं है तो हम इसको इग्नोर करेंगे और इस साइड पे इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में होगा कि सेवन पिवट बनेगा, सेवन लास्ट एलिमेंट है, ये एट जो है ऑलरेडी अप्लाई करते थे तो कुछ शॉर्ट में कहा था कि क्यू माइनस वन से ए कॉमा पी कॉमा क्यू माइनस वन, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है क्यू की वैल्यू एट्थ इंडेक्स था, ये क्यू माइनस वन सेवन तक जाएगी, पी से वन से लेकर सेवन तक, और जो लास्ट इंडेक्स था पिवट है, तो इस पे अगेन पार्टीशन के एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो सेवन इंडेक्स जो है ऑलरेडी सॉल्व हो गई। अब मिसिंग है फाइव, फाइव इसके बाद नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट हमारे पास सिक्स रह गया, सिक्स पे अप्लाई किया हमारे पास सिक्स पिवट एलिमेंट बन गया था इस सब लिस्ट का, इस सब लिस्ट का पिवट एलिमेंट सिक्स बना था, और सिक्स जो है सॉल्व हो गया है, और इसके एक साइड पे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा और एक साइड पे बहुत सारे। नेक्स्ट है कि इस पे अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट पिवट एलिमेंट फाइव आएगा, फाइव के बाद फाइव सॉल्व हो जाएगा, और फोर देन थ्री टू वन, इस तरह से ये सारे सॉर्टेड आ जाएंगे, यानी कि जब भी पिवट एलिमेंट हम सेलेक्ट करते हैं तो पिवट एलिमेंट को अपनी प्रॉपर प्लेस पे ये एल्गोरिथम इंसर्ट करता है पार्टीशन का एल्गोरिथम, और उसके बाद ये रिकर्सिव कॉल होती है कुछ सॉर्ट के एल्गोरिथम की, एक लेफ्ट साइड पे यानी कि वैल्यू से लेस देन होगी और राइट साइड पे वैल्यू से ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी और उसके लेफ्ट साइड पे इक्वल टू होगी। लेकिन इस केस में नहीं है कि इस केस में जो वैल्यू है उससे ये था कि अगर सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड हैं तो